हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज मैं लेकर के आ गई हूँ एक और रीसेलिंग हॉल वीडियो। जी हाँ, तो अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ और आप कह सकते हैं कुर्ता सेट्स इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा रीसेलिंग वीडियोस लाऊंगी ताकि आप लोग अगर परचेजिंग करना चाहते हैं फेस्टिव वेडिंग सीजन के लिए या कैजुअल वेयर के लिए भी, क्योंकि समर सीज़न है, तो आप लोग आसानी से परचेजिंग कर सकें। तो आज की वीडियो साड़ी रीसेलिंग हॉल होने वाली है। गाइज़, आज की वीडियो में मैं कुछ साड़ियाँ शेयर करूँगी जिसकी मुझे रीसेलिंग करनी है। तो इनकेस अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। जब मैं साड़ियाँ खा रही हूँ उस समय आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आपको ये वाली साड़ी लेनी है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ कि आपको ये वाली साड़ी लेनी है। और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वैसे मैं यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। और ज़्यादातर साड़ियाँ जो हैं गाइज वो मीशो से हैं, ये मैं आपको बता दूँ। और जो प्राइस है गाइज वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, जैसे कलर के साथ लिखूँ या क्या लिखूँ, रेड वाली कितने की है, इस टाइप से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जैसे ही आप लोग आएंगे और मुझे पूछेंगे इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको प्राइस बताऊँगी, उसके बाद फिर आप पेमेंट करके आराम से अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। तो पेमेंट आपको प्रीपेड करनी होगी गाइज। जी हाँ, और जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और जो पहले पेमेंट करता है गाइज उसी को मैं प्रोडक्ट सेंड करती हूँ, तो ये टोटली आपके ऊपर है। चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा रीसेलिंग हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रही है तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन मैं लेके आई हूँ। कुछ अच्छी साड़ियाँ हैं जो मेरे पास उस तरह की साड़ी सेम है या थोड़ी सी अलग है, तो मैंने सोचा है कि इन साड़ियों को रीसेलिंग में निकाल दूँ। तो सबसे पहले ये बहुत खूबसूरत रेड कलर की नेट में साड़ी है गाइज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का नेट है, सॉफ्ट है, कोई भी धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ बगल में पिक लगाती जाऊँगी गाइज, जिससे आपको आइडिया होता जाएगा कि साड़ी किस तरह की दिखती है। तो जो साड़ी की पिक होगी मैं उसे ओपन नहीं करूँगी। तो बहुत ही अच्छी नेट की साड़ी है गाइज, इस तरह का आपको बॉर्डर पूरी साड़ी पे मिलता है स्टोन के साथ, और बाकी पूरी एम्ब्रॉयडरी है इस तरह की। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सभी साड़ियों के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है, और इस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रेड जो है गाइज वो बहुत ही अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अच्छा वाला रेड होता है वो है, मरून नहीं है, ये रेड है और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप इस तरह की साड़ी को अपने ट्रूज़ों में रख सकते हैं, कभी पहनने के ज़रूर काम आएगी। रेड कलर वैसे भी बहुत प्रिटी लगता है। तो ये पहली साड़ी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट गाइज, एक और रेड साड़ी है जो कि अभी हाल में ही मैंने, आप कह सकते हैं, अमेज़ोन से परचेज़ किया है। ये शिफॉन में है ये साड़ी, आप देख सकते हैं, और सिल्क वाला टुक आप कह सकते हैं लुक है, वुमेन वर्क के साथ आती है कुछ इस तरह की है। इसका भी जो आप पिक है वो आपको साइड में मिल जाएगा, तो ये वाली साड़ी भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत साड़ी है, वेडिंग फंक्शंस के लिए, वेडिंग के लिए, अगर आपकी शादी हो रही है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसके ठीक सेम गाइज इस साड़ी में मेरे पास येलो कलर भी अवेलेबल है। जी हाँ, ये तो आपको आंचल इसका दिख रहा होगा, सेम इसी तरह की साड़ी है येलो कलर में। मैं आपको हल्का सा दिखाती हूँ कुछ इस तरह की। जी हाँ, ये येलो में है, तो ये भी आप चाहें तो परचेजिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वेडिंग एंड आप कह सकते हैं पार्टी वेयर, और येलो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शिफॉन फैब्रिक में है, वुमेन वर्क के साथ आती है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये सब हैवी साड़ियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ, मतलब बिल्कुल वेडिंग पार्टी वेयर, कैजुअल वाली मैंने भी शेयर नहीं की है। कुछ इस तरह की साड़ी है, आप देख सकते हैं। ये भी मैंने मीशो से ही ली है, उन दोनों को अमेज़ोन से लिया था, रेड वाली नेट वाली जो है उसे मीशो से लिया था, और ये भी मैंने मीशो से ही लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, आप देख सकते हैं, और इसका जो कलर है सी ग्रीन टाइप का है, तो बहुत अच्छा लगता है वेडिंग फंक्शंस वगैरह पे। साइड में आपको टेसल्स मिल जाते हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी आपको, मतलब बॉर्डर पूरी साड़ी पे मिल रहा है, और आँचल थोड़ा सा दिखा देती हूँ, कुछ इसी तरह का आँचल भी है गाइस। बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की गई है येलो पिंक कलर से, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, हैवी साड़ियाँ अब नहीं हैं, तो अब मैं थोड़ी सी कैजुअल साड़ियाँ आपके शेयर करूँगी। वैसे ये एक हैवी साड़ी मेरे पास है, कुछ इस तरह की साड़ी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पिंक येलो का कॉम्बिनेशन तो आप सब जानते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। इसका पिक भी लगा दूँगी। इसके साथ आपको रेडीमेड ब्लाउज़ मिल रहा है, आप फिटिंग वगैरह करवा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं करवाया है, जैसा आया था बिल्कुल वैसा रखा है। इस तरह की साड़ी है, बहुत खूबसूरत कलर है इसका, इसमें भी आपको टेसल्स मिल जाते हैं। साड़ी की जो पिक है वो आपको दिखा दूंगी। प्लेन साड़ी है और इस तरह का बॉर्डर मिलता है, आपको देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ की गई है एम्ब्रॉयडरी। और आँचल की बात करें तो इसका आँचल कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ये टेसल्स आपको पूरी साड़ी पर मिलेंगे, येलो कलर से पाइपिंग है, और साथ में ये एम्ब्रॉयडरी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप इस तरह की साड़ी भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये साड़ी बहुत प्रिटी लगती है गाइस, और किसी की हल्दी पे पहनने के लिए ये बहुत अच्छी लगेगी, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। गाइस, एक नेवी ब्लू कलर में साड़ी है, और ये कॉटन में है, मतलब सिल्क वाला जो कॉटन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है।
बहुत खूबसूरत लगती है। इसका भी पिक होगा गाइस तो मैं लगा दूंगी। वैसे इसमें मैंने ऑरेंज कलर लिया था, उसे मैंने रीसेल कर दिया है, तो उसकी भी पिक होगी तो लगा दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सेम उसी तरह का दिखता है, बस कलर अलग है। और आंचल में आपको इस तरह के टेसल्स लगे हुए मिल जाते हैं, इस तरह के, जो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत साड़ी है, आप कह सकते हैं चंदेरी कॉटन जिसे कहते हैं, उस तरह की साड़ी है। ये बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, बहुत प्रिटी लगता है। तो ये भी साड़ी, क्योंकि अभी समर सीजन चल रही है, तो इस तरह की साड़ियाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। गाइस मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी। ये जॉर्जेट की फैब्रिक पे सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसमें आपको जो ब्लाउज़ है वो रेडीमेड मिलता है, स्लीवलेस, और आप कह सकते हैं ब्लैक कलर में। जी हाँ, तो कुछ इस तरह की साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है। पूरी साड़ी इसी तरह की, इसमें कोई बॉर्डर अलग से आपको नहीं मिल रहा है। जॉर्जेट की फैब्रिक में ये साड़ी और पूरे पर सीक्वेंस का वर्क किया गया है कुछ इस तरह का। ये अपने फेयरवेल पे आप ट्राई कर सकते हैं, या पहली बार साड़ी पहन रहे हैं, या अनमैरिड हैं, या फिर मैरिड भी हैं और थोड़ा लाइट वेट साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, थोड़ी डिज़ाइनर टाइप वाली, तो आप इस तरह की साड़ी ट्राई कर सकते हैं। इसमें अलग से आँचल नहीं है गाइज, पूरी साड़ी इसी तरह की है, फ्लावर प्रिंट है, तो समर सीजन के लिए ये भी बहुत अच्छी रहेगी। इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर मैंने इसे रखा है। नेक्स्ट है गाइज पर्पल कलर की साड़ी, और ये भी मीशो पर बहुत ज़्यादा चली हुई है, तो हो सकता है आप लोग लेना चाह रहे होंगे। कुछ इस तरह की साड़ी है, पूरी साड़ी जो है वो बिल्कुल प्लेन है, सना सिल्क फैब्रिक में है, और इस तरह का धागे से एम्ब्रॉयडरी पूरी साड़ी पे की गई है, इस तरह का मतलब बॉर्डर दिया गया है पूरी साड़ी पे। जी हाँ, तो इस पे भी आपको इसी तरह से पर्पल कलर का ब्लाउज पीस मिल जाता है। ये जो बॉर्डर है ये पूरी साड़ी पे मिल रहा है अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करके, और बैक में इसे लॉक किया गया है, लॉक किया गया है, तो आप आराम से इसे भी ले सकते हैं। सिंपल और ब्यूटीफुल साड़ी है, अफोर्डेबल प्राइस पे है, चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है गाइज, इसलिए मैंने इस कलर में साड़ी को लिया है। ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट साड़ी है गाइज, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये बिल्कुल पार्टी वेयर साड़ी है, मैं कहूँगी। कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की साड़ी है, बांधनी प्रिंट के साथ आती है, और इसका जो बॉर्डर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसे उल्टा करके सरिया के रखा है, ताकि इसकी जो भी आप कह सकते हैं शाइन वगैरह है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, बट मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ साड़ी किस तरह की है। तो कुछ इस तरह की साड़ी है गाइस, बहुत ही शाइनी मटेरियल है, जॉर्जेट की फैब्रिक है, और फॉयल प्रिंटिंग के साथ साथ बांधनी प्रिंटिंग की गई है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। ये नीचे का एरिया है, इस तरह का बॉर्डर आपको नीचे में मिल जाता है, देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। और गोल्डन कलर की ब्लाउज़ पीस है इसकी सिंपल, और उसमें ये लेसिंग लगाई गई है, तो आप इस वाली साड़ी को भी ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल किसी की मेहंदी पे पहनने के लिए, या किसी भी फंक्शन पे पहनने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, फॉयल प्रिंटिंग के साथ आती है, कुछ इस तरह की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी शायद गाइस आपको पिक नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से दिखा दे रही हूँ। इस तरह की साड़ी है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है साड़ी है गाइस, ब्लैक कलर में, जी हाँ, और ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस वर्क के साथ आती है। मतलब साड़ी बिल्कुल प्लेन है, बट पूरी साड़ी पे ये सीक्वेंस वर्क वाला बॉर्डर लगाया गया है नीचे में, जी हाँ, ब्लैक कलर में है। ब्लाउज़ भी इसका सीक्वेंस वर्क के साथ आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ है। साड़ी बिल्कुल प्लेन है, सना सिल्क फैब्रिक में है, बट हाँ आँचल दिखा देती हूँ, मतलब पूरी साड़ी आपको थोड़ी सी कट वर्क में मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर लुक देती है, कुछ इस तरह की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये आँचल है, तो आँचल पे भी आपको इतना ही खूबसूरत बॉर्डर मिल रहा है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस वाली साड़ी को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, सीक्वेंस वर्क के साथ आती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है किसी की कॉकटेल पार्टी में, या फेयरवेल वगैरह में, या फिर अगर कोई रिसेप्शन टाइप की, मतलब वेस्टर्न टाइप की पार्टी है, तो आप इस तरह की साड़ी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट साड़ी है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये प्लेन साड़ी है, सना सिल्क फैब्रिक में, बट बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस तरह का बॉर्डर पूरी साड़ी पे मिलता है आपको, बहुत ही अच्छा जड़ी वाला, और काफ़ी रॉयल लगती है ये साड़ी। टू टोन में ये साड़ी है, ऊपर में आपको लाइट ग्रीन या फिर सी ग्रीन टाइप का कलर कह सकते हैं, और नीचे में आपको कुछ इस तरह का कलर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। सेम इसी तरह की पूरी साड़ी है, अलग से आँचल नहीं मिल रहा है, इसी तरह का आँचल भी आपको मिल रहा है, तो इस वाली साड़ी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे थोड़े से आइडिया के लिए मैं आपको यहाँ पे इस तरह से आँचल दिखाती हूँ, इस तरह का आँचल मिलता है, तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट साड़ी गाइस मैं बात करूँगी, एक जॉर्जेट की साड़ी है मेरे पास, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में मिलती है, कुछ इस तरह की साड़ी है, इसकी पिक लगा दूँगी, जॉर्जेट में है, और जॉर्जेट में ही इसका आपको ब्लाउज़ पीस मिल जाता है। कुछ इस तरह की साड़ी है, ग्रीन कलर में है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, थोड़ा डिफरेंट ग्रीन है, इसलिए मुझे ये साड़ी पसंद है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस एक साड़ी है जिसे कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर की ये साड़ी है, बहुत ही यूनिक, इस तरह से इस पर स्टोन्स वर्क और एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। इस तरह का बॉर्डर आपको पूरी साड़ी पर मिलता है, थोड़ी सी आपको डिटेलिंग बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आँचल से स्टार्ट करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे।
तो कुछ इस तरह का आँचल है गाइज, ये बॉर्डर आपको मिल रहा है और साथ में नीचे में ये जो एम्ब्रॉयडरी है जो मैंने आपको भी दिखाई स्टोन वर्क के साथ, ये पूरी साड़ी पे आती है इस तरह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एम्ब्रॉयडरी है, अच्छी क्वालिटी की साड़ी है। डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर कुछ डिज़ाइनर पीसेस पहनना पसंद है तो इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें आपको स्टोन्स भी लगे हुए मिल रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत साड़ी है। पूरी साड़ी रेड में है और रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, साथ में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी मिल रही है, तो ये साड़ी भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, मेरे पास दो साड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से पैक करके इन्हें रखा है। तो ये है बेबी पिंक कलर, या फिर आप कह सकते हैं कोरल कलर में, इस तरह की साड़ी है, बिल्कुल प्लेन, और ये जो है आपको बॉर्डर मिल जाता है जिसमें रेशम से एम्ब्रॉयडरी की गई है। पूरी साड़ी इसी तरह की है, बिल्कुल प्लेन है और इस पर इस तरह से बॉर्डर मिल जाता है आपको, बहुत खूबसूरत लगती है। बॉर्डर देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, रेशम के धागे से किया गया है, बहुत ही प्रिटी साड़ी लगती है। जी हाँ, और सना सिल्क फैब्रिक में है गाइस, कलर बहुत अच्छा है, पिंक कलर आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट सेम साड़ी गाइस मेरे पास दूसरे कलर में भी है, कुछ ग्रीन टाइप में, ये वाली सेम है साड़ी में, सब कुछ बिल्कुल सेम है, ये एम्ब्रॉयडरी भी सेम है, रेशम के धागे से की गई है, लेसिंग लगाई गई है इतनी चौड़ी, और कुछ ग्रीन टाइप का कलर है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे इन सब साड़ियों को मैंने रखा है गाइज, और सभी बिल्कुल वेडिंग फंक्शंस या पार्टीज़ के लिए या कोई छोटे ओकेज़न के लिए डेफिनेटली आपके काम आएंगी। तो इसमें से आप जो भी साड़ियाँ लेना चाहेंगे गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, और जो भी प्राइस है मैं आपको बता दूंगी। आपको प्रीपेड पेमेंट करनी होगी, और फिर मैं जैसे ही आप पेमेंट करते हैं एक से दो दिन तो लग जाते हैं, दो दिन में मैं आपको ये प्रोडक्ट जो भी आप खरीद रहे हैं वो कुरियर कर दूंगी। तो आई होप गाइज आज की रीसेलिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी परचेसिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे अच्छे हॉल वीडियोस देखने के लिए। रीसेलिंग वीडियोस मैं बीच बीच में लाती रहती हूँ, जिससे कि मेरे भी जो भी सामान इकट्ठा हो गए हैं, ज़्यादा साड़ियाँ हो गई हैं, ज़्यादा कुछ कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। बट मेनली ये चैनल हॉल वीडियोज़ का है, तो अगर आप हॉल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।